Our next question is example 5, and the question is, student of a school stays a rally for cleanliness campaign. They walk through the lane in two groups. ठीक है, दो different groups हैं और दो different lane में वो walk कर रहे हैं. One group walk through the lane A, B, B, C and C. A. एक group कहाँ से किस lane पर walk कर रहा है? A, B. You can see that A, B और C, D और D, A. तो देखो A, B, C, D, D, A. बेसिकली वो ये क्या आ जा रहा है आपको, वन ग्रुप वॉक ऑन दिस लेन जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस वन ए सी सी डी एंड ए, समझ में आ गया. एक ग्रुप इस लेन पे वॉक कर, देन दे क्लीन द एरिया क्लोज विद इन देयर लेन. तो ये जो ग्रुप है विद इन दिस लेन, जो ये एरिया है इसको उन्होंने क्या कर दिया, क्लीन कर दिया. ये समझ में आ गया. ठीक है, अब आपको इनके डायमेंशन भी गिवन है. इसके बाद आपको कहा जा रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, ए बी कितना है आपका 9 मीटर, बी सी कितना है आपका 40 मीटर, सी डी कितना है आपका 15 मीटर और डी ए कितना है आपका 28 मीटर. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री. विच ग्रुप लीड मोर एरियन बाय हाउ, सिंपल सी बात है. देखो जो राइट एंगल है उसका एरिया तो डायरेक्टली निकाल सकते, निकाल दोगे कैसे निकालोगे, तो पहले उसी का एरिया निकाले फिर बुझाता इजी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू पाई. ये क्लियर हो गया? ठीक है, इट इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या हो जाएगा आपका, पहले मैं लिख ही लेता हूँ बी सी और हाइट क्या हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा हाफ, बेस कितना हो जाएगा 40 और हाइट कितनी हो जाएगी 9. ये क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका 20, तो ये हो गया आपका 180 मीटर स्क्वायर. ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं. फोर ट्राइंगल ए डी सी, फोर ट्राइंगल ए डी सी, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो लेट ए इज इक्वल टू 28 ले लेते हैं, 28 मीटर, B is equal to 15 meter and C is equal to, अब C क्या हमारे पास है, C को मैं अभी क्या ले लेता हूँ X, मुझे X ये निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यहां तक कोई डाउट, क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, देखो ए सी आपको निकालना है वो एक्स है आपका, बाकी ए बी आपका 9 है और बी सी आपका कितना है 40, ए बी हमारा 9 है और बी सी कितना है हमारा 40 और ये आपका एक्स है. ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 81, 4 का स्क्वायर कितना 1600, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681. 1681 किसका स्क्वायर होता है, लॉन्ग डिविजन मेथड से भी कर सकते हो आप, इसकी पेयरिंग कर दो, 4 4 जा क्या होता है 16 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा. ठीक है, 4 का डबल करोगे 81 समझ में आया कैसे किया, कैन आई से दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1681 किसका स्क्वायर होता है 41 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो एक्स कितना हो गया 41 मीटर. ये क्लियर हो गया? तो आपके पास जो इम्प्लाई जो आपकी सी साइड है, सी कितना हो गया आपका 48 मीटर. ठीक है, अब देखो ए आपका कितना था 28, बी 15, नाउ ए 28 बी 15 और सी कितना हो गया आपका 41 मीटर. क्लियर हो गया आता, तो एरिया क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी. ये क्लियर हो गया? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, दैट इज 28 प्लस 15 प्लस 41 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो 41 15 और 28, 8 और 1 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, 5 प्लस 1 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 84 बाय 2
क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या निकालना है आपको, एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एस, एस की जगह क्या पुट करेंगे, 42। एस माइनस है 42 माइनस 28, 42 माइनस 15 और 42 माइनस 41। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है तक? ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42। 42 को मैं लिख, 42, 12 माइनस 8 4, 3 माइनस 2 1, 12 माइनस 5 7, 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस 1 1, ओह तो 1 ही हो गया। अब 42 को मैं क्या लिखूं, 7 इंटू 6, 6 को मैं क्या लिखूं, 3 इंटू 2, फिर 14 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7, 27 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। चलो जी पेयरिंग करते हैं, सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है। बस 7 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया और 2 का भी हो गया, क्या बात है। और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, 3 2 6 और 7 3 21, तो कितना आ जाएगा, 126 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया तो आ रहा 126 मीटर स्क्वायर, और पहला ट्रायंगल का एरिया कितना था हमारा, 180, तो इसका ज्यादा आ रहा है। हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज लार्जर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, एसीडी। एसीडी आपसे पूछा है कितना लार्जर है, बाय इसका डिफरेंस निकाल दो, 180 माइनस 126, 180 126, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 मीटर स्क्वायर। एनी क्वेश्चन, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, आप देख सकते हो यह आ गया 180 आपका, यह आ गया 126 और कितना ज्यादा है, 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ और पूछा हुआ था क्वेश्चन में तो वो भी देख लेते हैं। एक तो पूछा गया था फाइंड द टोटल एरिया, टोटल एरिया भी पूछा गया, तो टोटल एरिया भी निकाल लेंगे, 180 प्लस 126, तो लास्ट में क्या लिखना है, टोटल एरिया क्लीन बाय स्टूडेंट्स, क्लीन बाय स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 180 प्लस 126। तो 180 और 126 करोगे तो 8 2 10 ये हो जाएगा 306 मीटर स्क्वायर। एनी क्वेश्चन? ठीक है, देखो भाई एग्जांपल 4 जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपका, कमला हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 240 टू 360 मीटर। अब इसका मतलब क्या है, आप ये देखो, इसका मतलब ये है कि कमला एज ए ट्रायंगुलर फील्ड, कौन कौन सी साइड्स खोली है, साइड पर फोकस करना। तो साइड्स खोली गई है वो क्या है, 240, 200 और 360। अब यहाँ पे देखो 240, 200 और 360, तो कहने से दैट ये वाली जो फील्ड है वो कमला वाली है, तो कमला के पास ये वाली फील्ड है। क्लियर हो गया सबको, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, वेयर शी ग्रीव वीट, तो अपनी फील्ड में क्या ग्रीव करती है, वीट। ये भी क्लियर हो गया। इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 240 320 400, 240 320 400। अब ये देखो कौन सी है, 240, ठीक है, 240 और क्या कहा है, 320 और 400, ये कहा है 240 320 400, 240 400 और 320। अब देखो ये पूरी फील्ड की बात, इस पूरी फील्ड की बात हो रही है, ये फील्ड कितनी है आपकी, 240, ये पूरी कितना है, 320। अब इस पूरी फील्ड की बात कर रहे हैं, तो कौन सी फील्ड की बात हो रही है, एसीडी। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है इसमें आपको, एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड शी वांटेड टू ग्रो पोटैटो एंड ओनियन, इस पूरी फील्ड में वो पोटैटो और ओनियन दोनों ग्रो करना चाहती, शी डिवाइडेड द फील्ड इन टू पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। उसने क्या किया, देखो ये लॉन्गेस्ट साइड है ना 400, इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से उसने अपोजिट साइड के वर्टेक्स को ज्वाइन कर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट साइड थी उसने क्या किया, इसका मिड पॉइंट निकाला, वो ई था।
अगर 400 है तो मिड पॉइंट कहां पर होगा, 200 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। और यहां से एक लाइन ड्रॉ की जिससे अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर कर दिया। अब इसके कितने पार्ट हो गए, पार्ट वन पार्ट टू, ये समझ आ रहा है, पार्ट वन और पार्ट टू, इतना क्लियर हो गया। अब क्या कहा जा रहा है आपको, एंड ग्रीव पोटैटो इन वन पार्ट एंड ऑनियन इन अदर पार्ट, एक पार्ट में वो पोटैटो ग्रीव करेगी और एक पार्ट में ऑनियन, ये भी क्लियर हो गया, चलो ठीक है। हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर हैज बीन यूज्ड फॉर वीट पोटैटो एंड ऑनियन, अगर वन हेक्टेयर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो बस आपको सभी ट्राइंगल का एरिया निकालना है। यहाँ पर क्या ग्रीव होगा, वीट, मान लो यहाँ पर क्या ग्रीव होगा, पोटैटो, और यहाँ पर क्या होगा, ऑनियन, चलो हम ये मान लें, समझ आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये पूरा 400 है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो कहने से दैट ये 200 मीटर होगा और ये भी कितना होगा, 200 मीटर, ठीक है। तो ये अब इसको देखो, पार्ट वन पार्ट टू, और इसको मैं ले लेता हूँ पार्ट फोर पार्ट वन, फोर पार्ट वन, पार्ट वन हमारा क्या है, एसीई, दैट इज ट्राइंगल एसीई। ट्राइंगल एसीई के लिए ए क्या होगा आपका, ए हम ले लेते हैं 240, और बी हम क्या ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं 240, बी क्या ले लेते हैं हम, देखो ये तो आपका हो गया 240, ये कितना हो गया आपका 240 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 200। अब ये वाली साइड कैसे निकालो, चलो एक्स ले लोगे फिर क्या करोगे, चलो एक बार ट्राई करो, करना जरा ट्राई,